हेलो स्टूडेंट्स, आज दी इस वीडियो विच आपां डिस्कस करांगे डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपरमार्केट एंड मॉल। ठीक है, इन डिपार्टमेंटल स्टोर दा मतलब विभागी स्टोर, सुपरमार्केट नूं सुपरमार्केट ही पंजाबी च कहा जांदा ते मॉल नूं ही मॉल ही कहा जांदा वा। फर्स्ट आ जांदा बेसिस डिफरेंस दा साइज, साइज मतलब आकार। ठीक है, आकार डिपार्टमेंटल स्टोर का जो साइज होएगा वह सुपर मार्केट नालों लार्जर होएगा, बिगर होएगा। सुपर मार्केट का जो साइज आ वह डिपार्टमेंटल स्टोर नालों समॉलर होएगा, मीनस छोटा होएगा। तो जोड़े मॉल आ जाते इन्हों का साइज डिपार्टमेंटल के नालों भी जो आप कंपेरिजन करिए वड्डा होएगा। सो फर्स्टली की आ जाते साइज के बेस पर नंबर वन आप कि दे सकते हैं मॉल नूं, सैकेंड तो डिपार्टमेंटल स्टोर नूं, तो थर्ड कि दे सकते हैं सुपर मार्केट नूं। नैक्सट आ जाता फ्लोर, फ्लोर मतलब मंजिल। जेडे डिपार्टमेंटल स्टोर आ इन्हें की होने मैनी फ्लोर हो गए, इन फ्लोर ज़्यादा होंगे आ। सुपर मार्केट के इको फ्लोर ही होंगे वा, सारी ट्रांजैक्शन जो भी हों खरीद खरीदया जाता जा बेचा जाता समान इको फ्लोर किया जाता। तो मॉल के होंदा इतने एक या एक तो वो बिल्डिंग्स भी हो सकती, रीजन इनका साइज वड्डा होंदा। नैक्सट आ जाता प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद। ठीक है, डिपार्टमेंटल स्टोर स्टॉक ए वरायटी ऑफ प्रोडक्ट, इन्हें वरायटी ऑफ प्रोडक्ट होंगे। सुपर मार्केट के वरायटी नहीं होंगी, इन्हें क्लॉथिंग ज्वैलरी हार्डवेयर इन्हें डील नहीं किया जाता, जस्ट नसैसिटी गुड्स के ही डील करते हैं। तो जो माल आ जाते इन्हें की होंगे वरायटी ऑफ ड्यूरेबल प्रोडक्ट, जोड़ी ड्यूरेबल गुड्स मतलब कि जी आप लोंग टाइम यूज करते हैं मॉल के, सारा कुछ आ जाएगा। नैक्सट आ जाता ओनरशिप, ओनरशिप मालकी। डिपार्टमेंटल स्टोर आर नॉट ऑन बाय कॉरपोरेट चेन, एक कॉरपोरेट चेन मतलब सहकारी व्यक्ति द्वारा नहीं खरीदया जाता। सुपर मार्केट की कीती जाती है कॉरपोरेट चेन द्वारा, इनका अधिकार लिता जा सकता। तो जोड़े मॉल होंगे ये भी कॉरपोरेट चेन द्वारा ऑन नहीं किए जाते। सो एक हो गया ओनरशिप मालकी, इनका मतलब कॉरपोरेट चेन को इनकी भी नहीं मालकी हैगी, तो मॉल की भी नहीं हैगी। किन्ना दी हो सकती है? सुपर मार्केट की हो सकती है। नैक्सट आ जाता फ्रैश प्रोडक्ट, फ्रैश प्रोडक्ट ताज़ा उत्पाद। जोड़े डिपार्टमेंटल स्टोर आ डू नॉट स्टॉक द फ्रैश प्रोडक्ट, इन्हें फ्रैश प्रोडक्ट में स्टॉक नहीं किया जाता। ठीक है, बट सुपर मार्केट के डील किया जाता, फ्रैश प्रोडक्ट डील किया जाता। तो जोड़े मॉल आ जाते ये भी फ्रैश प्रोडक्ट अपन प्रोवाइड नहीं करते, फ्रैश प्रोडक्ट मीनस डेयरी मीट एटसैक्ट्रा। ठीक है, नैक्सट आ जाता एक्सट्रा फैसिलिटीज, एक्सट्रा फैसिलिटीज मीनस होर सहूलत, होर कि सहूलत प्रोवाइड की जाएँ डिपार्टमेंटल स्टोर द्वारा। डिपार्टमेंटल स्टोर मे और मे नॉट ऑफर पार्किंग एरिया, ईटिंग एरिया और सिनेमा। ये कई बार कोई डिपार्टमेंटल स्टोर ऑफर करते हैं, कोई नहीं भी करते। सुपर मार्केट के डेफिनेटली नहीं किया जाता, तो मॉल के होंगे चीज़ा ऑफर की जाए, जिस तरह सिनेमा रेस्टोरेंट पार्किंग एरिया ये कस्टमरस में यह फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी। ये राजी आपां कीता डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपर मार्केट एंड मॉल। नैक्सट करांगे आपां गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब समान ते सेवावां ते जिहड़ा टैक्स लगता, अज आपां इहदे विच आ टॉपिक भी डिस्कस करांगे इस वीडियो च। जिहड़ा गुड्स एंड सर्विस टैक्स सीगा ये फाइनली लॉन्च कदों होया वा, मिड नाइट ऑफ 30 जून 2017, मतलब 30 जून 2017 दे रात नूं इन्हां ने लॉन्च कीता सीगा। ठीक है, ये 1 जुलाई नूं इंप्लीमेंट स्टार्ट हो गया सीगा। GST इज एन इनडायरैक्ट टैक्स, इनू आप अप्रत्यक्ष, इनडायरैक्ट मतलब अप्रत्यक्ष टैक्स कहा जाता, जिहड़ा कि किंदे ते लैवी होएगा सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जिहड़ियां वस्तुआं ते सेवावां दी सप्लाई कीती जाती आ ये उन्हां उपर लगता। इट हैज़ रिप्लेस मैनी इनडायरैक्ट टैक्स लॉ दैट प्रीवियसली एग्जिस्टेड इन इंडिया। जिहड़े पहले इनडायरैक्ट टैक्स लगते सीगे उन्हें सारे हटा के बस इको टैक्स हुण लगता, किहड़ा? GST। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हुण पूरे इंडिया दे विच इनडायरैक्ट टैक्स यही आ। हुण राजे तुसीं कहोगे इनडायरैक्ट टैक्स की हुंदा, इनडायरैक्ट टैक्स ते डायरैक्ट टैक्स दे विच तुहानूं डिफरेंस दस्सी आ। जिहड़ा डायरैक्ट टैक्स होएगा ये किंदे ते लगदा, ये लगदा इनकम ते अपनी। ठीक है, इनकम ते मतलब किसी परसन की इनकम जिंदी 5 लाख आ,
ठीक है, एनुअल इनकम, उनकी इनकम के उपर टैक्स लगेगा। डायरेक्ट टैक्स मतलब जिस परसन की इनकम है उन्होंने ही टैक्स पे करना पेगा। ये राजे इन आप प्रोग्रेसिव टैक्स भी कहते हैं। रीजन की है, क्योंकि हायर जो रिचर परसन है, ठीक है, जिन्हें ज़्यादा अमीर उन्होंने टैक्स उन्ना ज़्यादा देना पेगा। जोड़े लोअर इनकम तो बिलोंग करते हैं उन्होंने की है, टैक्स भी रेट भी घट हो। सो यह हो गया डायरैक्ट टैक्स जोड़ा इनकम से लगता। नैक्सट सैकेंड टाइप आ जाती अपने को इनडायरैक्ट टैक्स। इनडायरैक्ट टैक्स जोड़ा लगता वा गुड्स से, गुड्स एंड सर्विस से। हम इन इनडायरैक्ट टैक्स किमें इनका बर्डन आप मोस्टली देखिया जाता वा वीकर सैक्शन से भी पैदा वा। वह किमें कि जोड़े हम गुड्स आ, ठीक है, उनके गौरमेंट ने टैक्स लगाता है उनके जिमें कोई ची 100 रुपए की चीज़ आ, उनके 10 रुपए का टैक्स लग गया, चीज़ का रेट कि हो गया 110 रुपये हो गया। और चाहे कोई अपने मिडल क्लास तो बिलोंग करता, चाहे लोअर क्लास तो बिलोंग करता, चाहे रिचर न बिलोंग करता पाया, ठीक है, और जोड़े मर्जी है, चाहे अमीर गरीब जोड़ा भी व्यक्ति है वह उही प्राइज पे करेगा। इनका मतलब कि पुअर सैक्शन वाले तो ज़्यादा बर्डन पै गया, क्योंकि रिचर न तो कोई इफेक्ट पैना ही नहीं। इनडायरैक्ट टैक्स की हिंदा जो गुड्स एंड सर्विस से लगता वा, ठीक है। पहला बहुत तरह के टैक्स लगाए जाते थे, जिमें कि अपना वैट हो गया, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी हो गया, इन्होंने सारे नु हटा के हुण केड़ा लगन लग गया कला GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सो आप ये कह सकते इनडायरैक्ट टैक्स का बर्डन पोअर सैक्शन से ज़्यादा होंदा वा। सो ये की हो गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इनडायरैक्ट टैक्स ते डायरैक्ट टैक्स दे विच मीनिंग तुहानू क्लीयर आ। हुण आप अगे करांगे GST दे विच की आ जाता। GST दे विच 4 टाइप्स आ जांदियां, CGST जिहड़ा कहिंदा सेंट्रल गौरमेंट वालों चार्ज किया जाता, SGST जिहड़ा स्टेट गौरमेंट वालों चार्ज किया जाएगा, UGST जिहड़ा यूनियन टैरिटरी द्वारा चार्ज किया जाएगा, IGST मीनस जिहड़ा इंटर स्टेट जो दो स्टेट दे विच ट्रांजैक्शनस हुंदियां वा उस टाइम ते किहड़ा टैक्स लगेगा, IGST टैक्स लगेगा, ठीक है। ये सारी किन्दे विच आ जांदे आ, GST दे विच ही आ जांदे आ। सो ये मीनिंग क्लीयर आ जी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक इनडायरैक्ट टैक्स आ जिहड़ा गुड्स ते सर्विस ते ही लगदा वा। ये 30 जून 2017 नूं लॉन्च किया गया सीगा, ठीक है। इस तो बाद की आ जांदा कि इन्हें बहुत सारे टैक्स जिहड़े सीगे पहला लगदे से उन्हां सारियां नूं की आ खत्म करता वा। नैक्सट हुण आपां इहदे करांगे फीचर्स, फीचर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स ते सर्विस टैक्स दी की विशेषतावां, फर्स्ट आ जांदा इनडायरैक्ट टैक्स। इनडायरैक्ट टैक्स मतलब अप्रत्यक्ष कर, कि जिहड़ा GST है विच इज कलैक्टड फ्रॉम कस्टमर बट इज पेड बाय ट्रेडर और मैनुफैक्चर टू गौरमेंट। एक कलैक्ट किहदे कोल कीता जांदा, कस्टमर कोलों, ठीक है। ग्राहक इन्हू पे करता वा, वह किनू पे करता वा, अपने जिंदे कोल समान खरीदता ट्रेडर नू, दैन ट्रेडर जो मैनुफैक्चर की कर देंगे गौरमेंट नू टैक्स पे कर देंगे। ये हो गया इनडायरैक्ट टैक्स। नैक्सट आ जाता वा डेस्टिनेशन बेस्ड। डेस्टिनेशन बेस्ड मीनस मंजिल आधारित। डेस्टिनेशन बेस्ड क्यों कहा जाता, इट इज चार्ज एट प्लेस वेयर गुड्स आर सप्लाई। ये वो जगह पर चार्ज किया जाता जिथे गुड्स आप सप्लाई करते हैं, ठीक है। इनू की आप कहे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, जिस तरह की मान लो हम आप गुड्स हाँ लुधियाने, ठीक है ना, लुधियाने के अपने किसी ट्रेडर ने मोगा के ट्रेडर ने गुड्स सेल कितिया, तो वह मोगे अपने जिथे गुड्स सप्लाई हुई उत्थे रेट चार्ज किया जाएगा। इट इज चार्ज एट प्लेस वेयर गुड्स आर सप्लाई, जिथे चीज़ा ये सप्लाई की गई। अगे आ जाता वा ड्यूल टैक्स सिस्टम, दोहरी टैक्स प्रणाली। इन्हें दोहरी टैक्स प्रणाली क्यों कहा जाता, रीजन इनका यह है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही पावर दी गई है कि वह टैक्स लगाएंगे। सपोज कोई अपन कोई चीज़ परचेज की, अपन उन्हें तो दो तरह का टैक्स देना पैदा, एक CGST तो SGST, ठीक है। वह किमें हो जाएगा, 2.5% की हो गया CGST, 2.5% की हो गया LGST, मीन जो भी टैक्स की इनकम होंगी है वह दोनों में जाती है, स्टेट गवर्नमेंट में भी जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जाती है। नैक्सट आ जाता कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्ट्रेशन क्यों लाजमी है, जिन्ना परसन की जिस बिजनेस फॉरम की टर्न ओवर मीन सेल जी है वह 40 लाख तो ज़्यादा, ठीक है, वह कि एरिए 40 लाख तो ज़्यादा, तो इन्हों छ 20 लाख जोड़े नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का उन्होंने की करना पैंता, अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पैंता GST Act 2017 के अंदर,
सो एक ही हो गया कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होगी कि जिन्हां दी टर्नओवर 40 लाख तो ज़्यादा उन्होंने इनके अंडर रजिस्टर्ड अपने आप को कराना पड़ेगा। नैक्सट आ जाता वोलेंट्री रजिस्ट्रेशन। वोलेंट्री रजिस्ट्रेशन मीनस कि स्वै इच्छित रजिस्ट्रेशन अपनी मर्जी के नाल जड़िया फर्म ए फर्म कैन गैट वोलेंट्री रजिस्ट्रेशन आलसो इवन वैन द टर्न ओवर इज लैस दैन 40 लाख। चाहे उनकी टर्न ओवर 40 लाख तो घट आ, जे कोई फर्म GST के रजिस्टर्ड अपने आप को कराना चाहती है तो करवा सकती है। बट इन की कंडीशन है, जिन्या भी प्रोविजन लगदियाँ प्रोविजनस एप्लीकेबल हो अपलाई हो बाकी फर्मा से जिन्हें 40 लाख तो ज़्यादा टर्न ओवर उन्होंने भी उनके भी अपलाई हो जिन्हें वोलेंट्री रजिस्ट्रेशन दिती है। सो ठीक है, प्रोविजन सेम आ, चाहे वह वोलेंट्री रजिस्ट्रेशन आ चाहे वह कंपलसरी रजिस्ट्रेशन आ। नैक्सट आ इनका रेट ऑफ टैक्स करा दियाँ दरा, ठीक है किन्ने तरह के लगते हैं इन अपने को 5% 12% 18% 28%, ठीक है ये टैक्स रेट आ। स्पैशली रेट की है 1% ऑन ज्वेलरी एंड डायमंड एप्लीकेबल होएगा। तो कई गुड्स इदा दिनाते 0% टैक्स रेट चार्ज किया जाता, जिस तरह नैचुरल हनी, फ्लोर, एग, प्रिंटड बुक्स जिमें अंडे हो गए, आटा हो गया, ठीक है शहद होगी, प्रिंटड बुक्स हो गई, उन्होंने 0% टैक्स भी लगेगा। ठीक है मतलब 0% मतलब कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है ये की हो गया 5% 12% 18% 28% ये हो गया टैक्स रेट। हायर रेट टैक्स, ज़्यादा दर वाला टैक्स। हम हायर रेट टैक्स कितना ते लगेगा, जिहड़ी लग्जरी आइटम्स जिहड़ी लग्जरी टर्म्स होंगी महंगिया वाली उन्हां उत्ते 28% टैक्स प्लस सेस, ठीक है ये भी एप्लीकेबल होएगा। लग्जरी इन केड़ी केड़ी चीज़ा आ जाती जिवें तंबाकू पड़, बिग कार्स, इन्हां ते सरकार हायर रेट टैक्स लगाती है। नैक्सट आ जाता कंपोजिशन स्कीम फॉर समॉल बिजनेस। कंपोजिशन स्कीम मतलब छोटे कारोबार लिए मिश्रित स्कीम। यह स्कीम की है, इस स्कीम के दसिया जाता कि जोड़े मैन्युफैक्चर या ट्रेडर आ जिन्हों के टर्न ओवर 1.5 करोड़ ठीक हैगी है, उन्होंने वो की करेंगे 1% टैक्स पे करेंगे, जिंदा अद्धा हिस्सा किनू जाएगा सेंट्रल नू ते अद्धा किनू जाएगा स्टेट में जाएगा। बट जे अपने ये स्कीम उन्होंने अप्लाई नहीं होएगी जेडे रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, नॉट एप्लीकेबल ऑन द सर्विस, इस सर्विस से एप्लीकेबल नहीं होंगी बट रेस्टोरेंट नू छड के, मीनस आप रेस्टोरेंट वाले भी सर्विस नू ले सकते हैं। रेस्टोरेंट वाले नू कितना टैक्स पे करना पेगा 5% अकॉर्डिंग, बाकियों नू कितना पे करना पेगा 1% अकॉर्डिंग। सो ए की हो गया कंपोजिशन स्कीम, इन्दे च की सीगा जिन्ना दी 1.5 करोड़ ठीक है तक टर्न ओवर हैगी आ वो 1% टैक्स पे करनगे ही करनगे। तो जे आप रेस्टोरेंट देखिए तो रेस्टोरेंट वाले नू कितना पे करना पेगा 5% पे करना पेगा, बाकी सर्विस के उपर यह एप्लीकेबल नहीं हुंदा। नैक्सट आ जाता वा रे टैक्स विच सम सम्स, मतलब कि जेडे अपने कर खत्म हो गया, टैक्स खत्म हो गया वो केड़े आ, सेंट्रल टैक्स भी पहला सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती सी ते स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती सी, वो सेंट्रल टैक्स केड़े खत्म हुए जिवें सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, अडिशनल एक्साइज ड्यूटी, अडिशनल ड्यूटी एंड स्पैशल अडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, सेंट्रल सीज एंड सर चार्जिस लैविड बाय सेंटर। मतलब कि यह टैक्स के नेम आ राजे जेने सरकार द्वारा लगाए जाते सीगे, सेंट्रल मतलब राज्य सरकार द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा, सॉरी सेंट्रल केड़ी होंगी है केंद्रीय सरकार। हुण स्टेट केड़े होंगे, स्टेट की होंगे राज्य सरकार। हुण राज्य सरकार केड़े टैक्स लगाती सी जिवें वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स, ऑक्ट्राई ड्यूटी, लग्जरी टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरी, बेटिंग एंड गैमलिंग, ये सारे टैक्सेस नू खत्म करके हुण अपने केड़ा टैक्स आ गया GST। क्लीयर। हुण नैक्सट पॉइंट आ जाता अपने कोल GST कौंसिल। हुण GST कौंसिल भी बनी है। GST कौंसिल की है, इट इज़ एन एडवाइजरी बॉडी, ठीक है इट मेक द प्रोविजन रूल एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट। ये की करती है अपने एक्ट जड़े है, ठीक है उन्होंने किमें इंप्लीमेंट करना, की रूल बनाने, ये सारे कौन डिसाइड करेगी, अपनी GST कौंसल डिसाइड करेगी। नैक्सट आ जाता वा कंपनसेशन। कंपनसेशन मीनस मुआवजा। द
The central government will pay the compensation to those state government which knows of the revenue of the because of implementation of GST. ਹੁਣ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਲੋਸ ਬੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ ਲੋਸ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪਬਲਿਕ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਪੇ ਕਰੇਗੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਸ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਊਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਸ ਹੋਇਆ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਬਟ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਏਗੀ 5 ਈਅਰ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਆਇਆ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰੇਗੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਿਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਾਈਲਿੰਗ ਆਫ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲਿੰਗ ਆਫ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਆਲ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਲ ਦਾ ਮੰਥਲੀ ਕੁਆਟਰਲੀ ਰਿਟਰਨ ਐਂਡ ਦਾ ਐਨੂਅਲ ਰਿਟਰਨ ਆਫ ਆਲ ਆਊਟਵਰਡ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਨੂਅਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਰਨ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਥਲੀ ਪੇ ਕਰਨ ਚਾਹੇ ਕੁਆਟਰਲੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਨੂਅਲੀ ਸਲਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਅਤੇ ਐਂਡ ਇਨਵਰਡ ਸਪਲਾਈ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਊਟਵਰਡ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਚਾਹੇ ਇਨਵਰਡ ਸਪਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟਰਨ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੈ ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਥੈਂਕ ਯੂ